मालदा में प्रवासी मजदूर की कश्मीर में मौत। परिवार में एकमात्र कमाने वाला था, घर में ही तीन छोटे बच्चे। जम्मू कश्मीर में मालदा के प्रवासी मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नए सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य मजदूर बीमार हो गया है। सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान फंसे मजदूर को बचाने के लिए दूसरा मजदूर सेप्टिक टैंक के भीतर गया। खबर है कि बाद में वो भी बेहोश हो गया। सेप्टिक टैंक की खुदाई के दौरान जिस युवक की मृत्यु हुई है उनका नाम अजीजुर रहमान, उम्र 30 वर्ष था। उनका घर मालदा के हरीश चंद्रपुर थाना अंतर्गत मशालदा ग्राम पंचायत के महंतपुर गांव का रहने वाले थे। उनकी मौत टैंक के अंदर कैसी हुई ये स्पष्ट नहीं है। मालूम हो कि महंतपुर गांव के अजीजुर रहमान और अजमल 2 महीने पहले कश्मीर में एक सेप्टिक टैंक पर काम करने गए थे। कुछ समय बिताने के बाद अजीजुर एक नया सेप्टिक टैंक खोदने के लिए गड्ढे में 20 फीट नीचे चला गया और ऊपर नहीं आया तो उसके साथ ही अजमल हुसैन ने आवाज लगाई, लेकिन दोनों श्रमिकों को कोई जवाब नहीं मिलने पर वो भी नीचे चला गया। मकान मालिक समेत पड़ोसी टैंक के पास गए तो देखा कि दोनों बेहोश पड़े हैं। वे चीखने चिल्लाने लगे, उन्हें बचाने गए। स्थानीय प्रशासन को बुलाया गया और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर की पत्नी अख्तारा खातून ने बताया कि उनके पति 2 माह पहले कश्मीर में थे। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाले थे। परिवार में उनकी पत्नी एक साथ 3 छोटे बच्चे हैं। अब वो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, इसे लेकर वो काफी चिंतित थे। उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुश्ताक आलम की मौत की खबर सुनकर शनिवार के वे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। मुश्ताक ने कहा कि वह पंचायत के मुखिया और प्रखंड प्रशासन से परिवार की मदद के लिए गुहार लगाएंगे।